Congratulations. Today is International Working Women's Day, and a day where Pakistani women are celebrating Aurat March all over the country. So congratulations, aap sabko mubarak. March pe kyun jana chahiye aur hum kyun march kar rahe hain? March pe jana zaruri hai kyunki duniya mein kahin bhi change, inqilab, reforms, tabdili हक मांगने से ही हुए हैं. लोग निकले हैं सड़कों पे, लोगों ने लिखा है इसके बारे में, लोगों ने आवाज़ उठाई है, तभी कुछ हासिल हुआ है. चेंज कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट विदाउट पुटिंग इनटू अकाउंट द पावर्स विच कीप ऑप्रेशन, इनजस्टिस एंड इक्वालिटी इन द सिस्टम. सो चेंज उसी वक्त आएगी जब आप उस कुवत से, उस पावर से, उस स्टेटस, उस सिस्टम से अपना हक मांगेंगे, तो तभी तब्दीली आएगी. कि औरतें हक मांग रही हैं, औरतें सड़कों पे निकल रही हैं, और औरतें जुरत कर रही हैं, औरतें सोच रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है. इससे कोई ज़बरदस्त, अमेजिंग, फैंटास्टिक बात क्या हो सकती है? औरतें सिर्फ माएँ बहनें नहीं हैं, आपकी सिर्फ बीवियाँ नहीं हैं, वो एक इंसान है, कंप्लीट ऐसा इंसान है जिसकी अपनी सोच है, जिसकी अपनी आवाज़ है. और जो वो निकलेंगी सड़कों पे बात करेंगी, तो वो एक सियासी शक्ल अपनाएंगी, वो एक इंटेलेक्चुअल, मॉरल एक्सप्रेशन जाहिर कर रही हैं. उनकी सिर्फ वो पहचान नहीं है कि आपके सिर्फ बच्चे पैदा करें, किचन साफ़ करें, खाना बनाएं, घर का काम करें और आपकी सिर्फ बातें सुने. वो एक सियासी भी चीज़ है, उस इंटेलेक्चुअल चीज़ है, आर्टिस्टिक चीज़ है, उसकी सोच है, उसका दिमाग है. और औरत मार्च, औरत आज़ादी मार्च इसी की बात है कि औरत सोचती है, वो जुर्म सहती है और वो फिर मजबूर होके बाहर भी निकलती है. और सिर्फ अपने लिए नहीं है, सबके लिए, सारी औरतों के लिए. सो आज़ादी मार्च ये चीज़ है. आप इस पे तंकीद करें लेकिन असूल पे करें, गालियां मत दें. मज़हब और तहजीब के नाम पे गालियां मत दें हमें. हमें वो थ्रेट्स ना दें कि हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे. असूल पे बात करें, असूल पे, प्रिंसिपल पे डिस्कशन करें, इंगेज करें. सो वो वक्त चला गया है कि अब औरत डर के तहजीब के नाम पे, मज़हब के नाम पे कहेगी ओ अच्छा नहीं, हाँ हम कुछ नहीं कहेंगे. वो वक्त चला गया है, अब हम 2020 में आ चुके हैं. सो ये बात हो गई. दूसरी बात, मैं क्यों मार्च कर रही हूँ? मैं इसलिए मार्च कर रही हूँ कि हमारी भी, मेरी भी ज़िंदगी में किसी ना किसी बात पे आपको रोका जाता है, टोका जाता है, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने पे भी रोका जाता है. हाँ, बहुत हक मिले हैं, बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, सपोर्ट भी मिली है, लेकिन फिर भी बहुत रोका टोका, शेम भी किया गया है. और क्यों, किस लिए? हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने मेहनत की है, ज़िंदगी में काम किया है. वी हैव ट्राई टू ब्रिंग ऑनर एंड रिस्पेक्ट टू आवरसेल्व्स, टू दोज वी लव. सो व्हाई इट इज़ टाइम टू स्पीक अप एंड टाइम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स. ये वक्त वापस नहीं मिलेगा किसी को, ये मौका नहीं मिलेगा फिर से कि आप आगे आएँ और बात करें. और सारी ज़िंदगी हम सुनते आते हैं कि इस औरत के साथ ये हो चुका, इतने भयानक तौर पे रेप्स हुआ, कत्ल हुए, और लड़कियों के, बच्चियों के, औरतों के. इस माशरे में किसी मर्द ने अपनी बीवी को मार दिया चूँकि उसने खाना ठीक था गर्म नहीं किया. किसी गांव में एक लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी करने की कोशिश की और उसको पकड़ के मार मार के कत्ल करके कहीं दफना दिया गया. हम कितनी देर सुनेंगे ये, कितनी देर ये खबरें ऑन करेंगे और हमारा दिल टूटेगा? हम इतने खौफनाक खबरों को देख के कितनी देर बैठ सकते हैं? ये तो दुनिया में भी होता है लेकिन पाकिस्तान में इस तरह होता है कि आप सोच नहीं सकते. पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस टू बी अ वुमन.
پاکستان سعودی عربیہ افغانستان کے درجے میں آتا ہے جہاں عورتوں کو دوسرا تیسرا چوتھا کلاس بھی نہیں سمجھا جاتا سو انف از انف اینڈ وی وانٹ ٹو مارچ آئی وانٹ ٹو مارچ بیکاز آف دیٹ آئی وانٹ ٹو اسٹینڈ فار دوز ویمن ہو ہیو بین بروٹلی مرڈرڈ کلڈ ریپڈ سو ہمارے اندر غصہ ہے اور ہم اس غصے کا اس طرح اظہار کریں گے ہم مارچ میں آئیں گے ہم بہت تعداد میں آئیں گے مارچ میں سارے شہروں میں ہو رہا ہے سو وقت آ گیا ہے کہ آپ سب لوگ سنیں اور سوچیں اور عورتوں کا ساتھ دیں کہ ہم یہ بہتر سوسائٹی بہتر ملک بنا سکیں اور ایک ساتھ ہی بنائیں گے آپ کو اس دن کی مبارک اور دس ڈے ول بی گریٹ اٹ ول گو ڈاؤن ان ہسٹری کنگریچولیشنز اینڈ ہیو اے گریٹ ڈے خدا حافظ